राजस्थान की महिलाओं को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने की शुरुआत हो गई है। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। डेढ़ साल के इंतजार के बाद इस योजना का शुभारंभ हो गया है। द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं गरिमा गौर। बांसवाड़ा दौरे पर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथों स्मार्टफोन देने की शुरुआत की गई थी। अब 10 अगस्त से प्रदेश की महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो गया है। इस योजना के तहत स्कूली छात्रों, कॉलेज छात्रों, घर की महिलाओं समेत अलग अलग कैटेगरी में अपने राज्य की 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की पहली महिला मुखिया और जन आधार कार्ड धारक महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में राज्य की करीब 40,00,000 महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान में विपक्ष ने गहलोत सरकार की इस योजना में भी सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर 8 शिविर तो वहीं 22 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी पहुंच रहे हैं। शुरू में योजना के लाभ के लिए पायलट कैंपस लगाए गए हैं। बता दें, लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे। अब जानिए स्मार्टफोन लेने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। शिविर में सबसे पहले IGSY पोर्टल पर लाभार्थी का eKYC किया जाएगा। KYC होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जन आधार eWallet इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का डिटेल IGSY पोर्टल पर दर्ज करने के बाद 3 प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम और डेटा प्लान का चयन करा सकेंगे। इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करना होगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अगले काउंटर पर जाना होगा। वहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर IGSY पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अगले काउंटर पर जाना होगा। वहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर IGSY पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के eWallet में 6,800 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे वो मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदेंगे। अगर अभी तक आपने भी ये फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप भी जाकर पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। और ये खास ऑफर जो है वो राजस्थान की सभी महिलाओं के लिए है। और खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।